हेलो फ्रेंड्स, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो थायराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्रेगनेंसी के अंदर, और ये कई बार अवॉइड हो जाता है, कई बार ध्यान नहीं दिया जाता, कई बार इसका टेस्ट ही नहीं कराया जाता और आपका अबॉर्शन हो जाता है या बच्चे की ग्रोथ नहीं होती है, और फिर बाद में आप डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे बच्चा खराब होने का क्या कारण है, और जब थायराइड टेस्ट कराया जाता है तो पता चलता है कि आपको थायराइड का प्रॉब्लम था। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपको प्रेगनेंसी में थायराइड के इंपॉर्टेंस पे ही बात करने जा रहे हैं कि आखिर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है थायराइड प्रेगनेंसी के अंदर। जनरली थायराइड का टेस्ट हम लोग हर लेडी को प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी प्रेगनेंसी के साथ हमारे पास आती हैं, बट कई बार कई डॉक्टर्स ये टेस्ट एडवाइस नहीं करते हैं, जिससे कि ये पता ही नहीं चल पाता कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम है। तो जब भी आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने सारे जनरल टेस्ट के साथ थायराइड का टेस्ट जरूर करवा लीजिए। दूसरा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वो थायराइड का यानी कि TSH का जो हार्मोन का वैल्यू हम लोग कराते हैं उसके कट ऑफ वैल्यू में, जनरल लेडी के लिए जो कट ऑफ वैल्यू होता है वो 5 होता है, लेकिन जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं तो TSH का कट ऑफ वैल्यू 2.5 पर आ जाता है, यानी कि यदि आपका TSH का वैल्यू 3 आया है तो वो एबनॉर्मल है, वो बढ़ा हुआ है और अब आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। लेकिन हो सकता है कि यदि कोई इस चीज के लिए अवेयर नहीं हो और 5 को नॉर्मल मानता है तो आपकी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेगा। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम है इस टेस्ट के रिपोर्ट के अंदर कि ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर TSH का कट ऑफ वैल्यू 2.5 होता है। यदि आपका वैल्यू TSH का 2.5 के ऊपर आया है तो आपको थायराइड की मेडिसिन लेनी पड़ेगी। यदि आप मेडिसिन नहीं लेते हैं तो आपके बच्चे में धड़कन नहीं आएगी, हो सकता है कि उसका ग्रोथ ना हो, हो सकता है उसका अबॉर्शन हो जाए, हो सकता है कि बच्चा मंदबुद्धि पैदा हो सकता है कि बच्चे की 4 से 5 महीने के बाद सडन डेथ हो जाए। तो बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, बिल्कुल भी अवॉइड ना कीजिए। और यदि TSH का वैल्यू 2.5 के ऊपर आ रहा है तो डेफिनेटली आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होता है तो सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में TSH का कट ऑफ वैल्यू 3 हो जाता है, यानी कि अब आपको 3 के नीचे मेंटेन करना है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि गोली का डोज हमें एडजस्ट करना पड़े। तो जनरली हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आपको हर महीने TSH का टेस्ट कराना होता है, जिससे कि उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग आपके थायराइड का मेडिसिन सेटल किया जा सके और बच्चे की ग्रोथ को अफेक्ट होने से बचाया जा सके। क्योंकि जनरली यदि आप 2 से 3 महीने में टेस्ट कराते हैं तो फिर गोली का जो डोज है वो 2 से 3 महीने बाद एडजस्ट होगा, जिससे कि हो सकता है कि बच्चे को डोज पूरी ना मिले और बच्चे की ग्रोथ पे फर्क पड़ जाए। अब यदि आपको थायराइड डायग्नोस हुआ है तो साथ ही साथ आपको खाने पीने में भी कुछ ऐसी चीजें शामिल करनी पड़ेंगी जिससे कि थायराइड के प्रॉब्लम का अफेक्ट आपके आपकी बॉडी पर और आपके बच्चे पर ना पड़े। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आयोडीन युक्त नमक लेना। जनरली ये मैदानी एरिया में या जो प्लेन एरिया है हमारे सिटी जैसे एरिया में नहीं होता है, पहाड़ी एरिया में ज्यादा देखा जाता है आयोडीन की कमी, बट फिर भी स्टैंडर्ड वे में आजकल जो भी नमक आता है वो आयोडीनाइज नमक आता है, जिससे कि आयोडीन की कमी शरीर के अंदर ना हो। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे फल फ्रूट्स होते हैं जिनमें कि आयोडीन की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है, वो भी आप अपने खाने में शामिल कर सकती हैं। जैसे कि अपनी हरी सब्जियां होती है तो हरी सब्जियों में सारे मिनरल्स और विटामिंस होते हैं, वो आपको लेने चाहिए। केला या बनाना या पपीता, इन सब में भी थोड़ी सी ये चीजें ज्यादा होती है। बनाना के साथ साथ ही ये जितना भी सी फूड होता है उसमें भी बहुत सारा आयोडीन होता है, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें भी आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है, और यदि एग खाते हैं तो एग में भी अच्छा आयोडीन मिल सकता है। तो इस तरीके से यदि आप ग्रीन वेजिटेबल, दूध, दही, छाछ और पनीर, चीज, ये सब लेते हैं, और साथ में यदि आप सी फूड खा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अंडा खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन सब चीजों से आपका प्रोटीन भी पूरा हो जाएगा, आयोडीन भी पूरा हो जाएगा, न्यूट्रिशन भी आपको अच्छा मिलेगा, और आपके शरीर में जो थायराइड की कमी के कारण जो फर्क पड़ने वाला है वो भी नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आप थायराइड का टेस्ट कराकर अपनी प्रेगनेंसी को खराब होने से बचा सकती हैं, बच्चे को कमजोर पैदा होने से बचा सकती हैं और बच्चे की ग्रोथ में अच्छा योगदान दे सकती हैं। क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी का एक ही एम है कि एक स्वस्थ बच्चे को आप जन्म दे सके और परिवार में खुशियां ला सके, और यदि हम उन खुशियों को अचीव करने में आपके कुछ हेल्प कर सकते हैं तो हमें उससे बड़ी खुशी कोई भी नहीं हो सकती। इसलिए हम पूरी प्रेगनेंसी की जर्नी में आपके साथ हैं। आपको लगता है कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कई सारे सवाल आपके दिमाग में हैं और आप उनसे पूछना चाहते हैं तो हमारे कस्टमर केयर पे फोन करके आप हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से सलाह ले सकती हैं। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।